आके अपना अप्रिशिएट करना चाहिए। अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा काम किया पिक्चर में और पूरी इंडिया में देखनी चाहिए जरूर। ये पाकिस्तान में जो बैन किया है ये हाँ कह रहे हैं मुस्लिम में गलत है सब चीज़ें। नहीं इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, हिंदू मुस्लिम के बारे में जिसका जो जिसको मानना है वो उस हिसाब से अपना अपना करें, लेकिन पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? हाँ देखनी चाहिए पिक्चर, तो हर जगह देखनी चाहिए। रियलिटी है, कुछ ऐसा है नहीं है, देखनी चाहिए सबको। फैमिली के साथ ही आए हैं। सी एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड मूवी बिकॉज इन टर्म्स लेडीज यू नो पीरियड्स इज देयर, सो इट्स अ कॉमन थिंग लाइक यू नो जहाँ पे अक्षय कुमार इज देन अ फैबुलस यू नो आई वॉन्टेड टू वॉच द मूवी, दैट्स द रीजन आई केम हियर। सो इट्स अ सोशल मैसेज फॉर एवरी वन कि पीरियड इज अ नॉर्मल, सो नथिंग इज लाइक यू नो तो बैंड एंड ऑल वो तो हर चीज़ अच्छी चीज़ बैंड होती है, सो आई थिंक एवरी वन हैज़ टू गो एंड वॉच द मूवी। एक्चुअली बैन नहीं करना चाहिए कोई भी मूवी, अगर सोशलाइज है और उसे देखना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। बैन बहुत गलत चीज़ है, इसके पीछे कितने लोगों का कैरियर रहता है, बहुत से प्रोड्यूसर का कंपनी का पैसे लगे रहते हैं, कितने लोग बेचारे इसी चक रहते हैं कि चलो ठीक है इतना अच्छा मूवी है आप पहले इसको सराहा जा रहा है, पाकिस्तान ने बैन कर दिया है कि नहीं रिलीज करेंगे। नहीं एक्चुअली उनको बैन नहीं करना चाहिए, बैन बहुत गलत चीज़ है, कोई भी मूवी अगर बनता है तो उस चीज़ को बैन नहीं करना चाहिए। हाँ ये है कि आपको पहले उस चीज़ को देखो, आपने देखा नहीं उसके पहले ही बैन कर दिया, बैन नहीं करना चाहिए। बेसिकली कोई भी मूवी अगर आपने बनाया या कुछ भी हुआ तो बैन मत करो। हाँ ये पाकिस्तान का फैसला गलत है, मैं बोलता हूँ कोई भी इस जो भी है नहीं पाकिस्तान एवरी जो भी है कोई भी कंट्री किसी मूवी को बैन मत करो, क्योंकि बैन बहुत गलत चीज़ है। ठीक है ये अब उनकी सोच है, वो कुछ भी करे, अब वो देखना नहीं चाहते, उनको पसंद नहीं है तो वो बैन कर सकते हैं, बट इंडिया में सबको पसंद है तो इंडिया में सब देख रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है तो वो देख सकते हैं, और पाकिस्तान है वो अपनी सोच है उनकी, उनको नहीं अच्छी लगी वो नहीं देखना चाहते तो फिर नहीं देखे। कैसे लेना चाहिए, और आज ज़माना उतना आगे बढ़ चुका है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बात करने में कोई हेजिटेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी हेल्थ के लिए ही अच्छा है, तो मेरे हिसाब से तो ये बैन कुछ मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए? ये बात एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़कियाँ हैं जिनके पास पता ही नहीं उनको कि ऐसा कुछ होता है, यू यूज़ अ पैड ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये I would appreciate the topic of this movie and banned नहीं होना चाहिए। नहीं पाकिस्तान में जो बैन किया है उसकी सोच की क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया में सराहा जा रहा है इस मूवी को। देखो पाकिस्तान में बैन पैड बैन किया, इंडिया में कहीं पर जगह पद्मावती किया है तो उसमें लोग हर जगह पे सेम ही है, पाकिस्तान इंडिया अलग ऐसा कुछ है नहीं, बट ये टॉपिक को बैन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से कहीं पर भी, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो या US हो। ओह आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, मैं अभी पैडमैन देखने ही वाली हूँ, तो ही चूज इज वेरी गुड टॉपिक फॉर मूवीज एंड आई एम प्राउड दैट ही इज एन इंडियन एक्टर।